और अब आपको उस सियासत से खबरदार करते हैं जहां तीसरे चरण के मतदान से पहले विपक्ष के लिए जवाब देना कठिन हो रहा है, क्योंकि आतंकी हमला, पीओके और आतंकवाद को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने ऐसे बयान दे दिए हैं जिसका बचाव करना अब मुश्किल है। पूंछ में आतंकियों से मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ पर सवाल पंजाब में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी उठाते हैं। रक्षा मंत्री पीओके को लेकर बयान देते हैं, फारूख अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। और मुंबई हमले के दौरान हेमंत करकरे की शहादत में कसाब को क्लीन चिट देता बयान महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता देते हैं। इन खबरों के बारे में आपको पूरी तरह से हम खबरदार करेंगे। सबसे पहले पूंछ में आतंकियों से मुठभेड़ को लेकर चन्नी का बयान और फिर सफाई सुनिए। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है। कांग्रेस सदा सेना के पराक्रम पर, सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब चीन की सेना को देने का हो। कांग्रेस कभी भारतीय सेना के साथ खड़ी नहीं हुई। ये लोग वो हैं जो जीप कांड से लेकर बोफोर्स घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक दलाली खाने वाले इनके नेता रहे, कांग्रेस पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगते रहे और आज ये सेना पर एक बार फिर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर कांग्रेस की सोच क्या है? ये कहते हैं परमाणु हथियारों को समाप्त कर दें, देश को कमजोर कर दें। अरे कितनी बार विदेशी ताकतों से हाथ मिलाओगे, कितनी बार भारतीय सेना के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाओगे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चुनाव के लिए कांग्रेस को इतना नीचे गिरना जरूरी है?